नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा रेसिपी। इंस्टेंट वड़ा रेसिपी है ये, फटाफट बन जाएगी। इसको हम बनाएंगे ब्रेड से, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो आप इसको आसानी से फटाफट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, ब्राउन ब्रेड हैं, ब्राउन की जगह आप वाइट भी ले सकते हैं। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। अब मैं ले रही हूँ एक कप पोहा, और पोहे को हम धो लेंगे। इसको फ्लैटन राइस भी कहा जाता है, कहीं कहीं चिवड़ा भी कहते हैं। तो धो करके मैंने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। भिगोया नहीं है मैंने, केवल धोया है। 5 मिनट के लिए रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको एक बोल में, बड़े बोल में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ हींग 1/4 टीस्पून, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 2 हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, इसकी जगह लाल मिर्च डाल सकते हैं आप, 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, और डाला है हरा धनिया। अब जो ब्रेड हमने पीसी थी उसको हम डाल देंगे, और डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा अच्छी तरह से बाइंडिंग के लिए। मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून डालना है, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, बस ये बाइंड हो जाए, इतना ही हमने पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। बस डो की तरह ये तैयार हो गया है। अब हम इसके वड़े बना लेंगे, हाथों को करेंगे चिकना। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह से जैसा वीडियो में देख रहे हैं, और इसका वड़ा बना लेंगे हम। और बीच में कर देंगे हम होल। इस तरह से अब सभी वड़े हमने बनाकर रख लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए। जो कढ़ाई आप देख रहे हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने परचेज करनी हो। सभी लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। लो मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी बनाना है, तो फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। और नीचे से एक बार अच्छी तरह से जब सिक जाए तो हम इसको पलट देंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोनों साइड से अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए उतना हमने इनको फ्राई कर लेना है, इस तरह से। तो सभी वड़े हैं वो हम अपने फ्राई कर लेंगे। इसको आप नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।